हाय, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज निधि और इस वीडियो में हम अपनी जो भी हमारी लेटेस्ट वैकेंसीज हैं जो अभी हाल ही में निकली हुई हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसी आप बोल सकते हैं इनको। और ये दोनों ही वैकेंसी आपकी यूपीएससी के थ्रू निकाली गई हैं और काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली आपको अप्लाई करना चाहिए। पहली जो हमारी वैकेंसी निकली हुई है ये हमारी यूपीएससी सीरियस रिक्रूटमेंट 2021। इसमें टोटल जो वैकेंसी है ये आपकी 341 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसको अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी 11 जनवरी है और इसका जो एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा ये आपका अप्रैल में होगा, 10th of April को, जिसका इसका एग्ज़ाम जो होगा ये आपका ऑफलाइन मोड में होगा। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए तो जनरल ओबीसी की आपकी 200 एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। एससी एसटी वालों के लिए, फीमेल्स के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। सीडीएस के थ्रू आपको जो सिलेक्शन होता है ये आपका इंडियन नेवी में हो सकता है, आपका मिलिट्री में हो सकता है, एयरफोर्स में आप जा सकते हो इसके थ्रू। और इसमें ही एक एग्ज़ाम होता है आपका ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी का, ये एग्ज़ाम आप दे सकते हो अगर आपकी मैथ वीक है तो। ओके, तो यहाँ पे हम पूरा इसका प्रोसीजर देखेंगे कि हम कैसे इस एग्ज़ाम के लिए कैसे क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाला है, कैसे क्या इसकी सैलरी है, एवरीथिंग यू गेट टू नो इन दिस वीडियो। और आपको आप कैसे इसकी प्रिपरेशन को कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया की तो एलिजिबिलिटी आपकी जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी और ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की रहने वाली है, यहाँ पे आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया है या आप अपियरिंग कैंडिडेट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड, आपका जो इंडियन नेवल अकेडमी की जो पोस्ट है इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका इंजीनियरिंग में, ओके, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे, या फिर आप अपियरिंग कैंडिडेट हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हो इसके लिए। एयरफोर्स की बात करें तो एयरफोर्स में ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से हो बट फिजिक्स और मैथ्स आपकी 12th में होनी चाहिए तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अपियरिंग कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम पैटर्न की, सिलेक्शन प्रोसेसर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेसर इसमें रिटर्न और इंटरव्यू रहने वाला है। रिटर्न की बात करें तो रिटर्न आपका जो होगा इसमें आपका जो इंडियन मिलिट्री अकेडमी है, आपकी इंडियन नेवल अकेडमी है और एयरफोर्स अकेडमी है, इसमें आपके 3 सेक्शंस आएंगे एग्जाम में। पहला आपका इंग्लिश का होगा जो कि 2 घंटे का होगा और 100 मार्क्स का होगा ये पेपर और 100 ही क्वेश्चंस आएंगे। जनरल नॉलेज में 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें कि 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके। मैथमेटिक्स में 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा ये आपका और 100 क्वेश्चंस आएंगे इसमें। ओके, ये आपके, और इसका पूरा सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके एक एक टॉपिक वाइज दिया गया है। मैथमेटिक्स में आपका यहाँ पे एसएससी वाला मैथमेटिक्स आता है, आप यहाँ पे आपका खाली अर्थमेटिक नहीं बट आपको ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा वगैरह भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। ओके, तो काफ़ी अच्छा मैथ्स इसमें पूछा जाता है। बट वहीं पर एक ओटीए की जो पोस्ट है, ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी की पोस्ट है, अगर आपका मैथ्स वीक है, आपको मैथ्स मतलब आपको बिल्कुल नहीं आता है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी जो कि आप 2 घंटे का होगा ये पेपर आपका, जो कि आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है, 100 क्वेश्चंस आएंगे। जनरल नॉलेज आएगी 2 घंटे का होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप बोल सकते हैं अगर आपका मैथ वीक है और आपने ग्रेजुएशन नॉर्मली किसी भी फील्ड से किया हुआ है, बी ए बी एस सी किसी भी फील्ड से किया कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बाकी ये रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में आपका एक इंटरव्यू होता है, एसएसवी होता है, जो कि 4 दिन का रहता है। इसमें आपके आपका पूरा टेस्ट लिया जाएगा, साइकोलॉजिकल टेस्ट और जो भी प्रोसेस होता है इसका, इसके इंटरव्यू का। आपको काफ़ी जो स्टेजेस होती हैं, फिजिकली भी आपका टेस्ट होगा, काफ़ी जो स्टेजेस होती हैं उससे गुजरना होता है। एसएसवी का जो इंटरव्यू होगा उसके बाद में आपकी ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग के आफ्टर ट्रेनिंग आपको जॉब मिलेगी। तो इसमें जो आपकी सैलरी रहने वाली है ये भी आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी आपको दिखेगी, देखने को मिलेगी इसमें। स्टार्टिंग ही आप बोल सकते हैं आपकी 70,000 से स्टार्टिंग रहेगी और ट्रेनिंग पीरियड जो आपका रहेगा उसमें आपको एक स्टाइफिन दिया जाएगा, काफ़ी अच्छी स्टाइफिन दी जाएगी आपको वहाँ पे भी। ओके, तो ये बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो भी कैंडिडेट, जो भी बच्चे, जो भी एस्पिरेंट जो नॉर्मली ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, किसी फील्ड से ग्रेजुएशन की है अपने और मैथ्स से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, अब तो मोस्टली हर एक एग्ज़ाम में मैथ्स पूछा जाता है, अगर आपको मैथ्स में प्रॉब्लम है तो आप डेफिनेटली आपको इस एग्ज़ाम के लिए
अप्लाई करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके, सेकंड जो हमारी पोस्ट है ये हमारी यूपीएससी एनडीए रिक्रूटमेंट 2022 की पोस्ट है, और इसमें ये भी यूपीएससी कंडक्ट कराता है इस एग्ज़ाम को भी। इसमें टोटल वैकेंसी आपकी 400 निकली हुई हैं, और इसको अप्लाई करने की अगेन लास्ट डेट आपकी 11 जनवरी है, और इसका भी एग्ज़ाम आपको 10 अप्रैल को देखने को मिलेगा 2022। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल ओबीसी के लिए 100 है और एससीएसटी के लिए 0 है, और बाकी इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट निकली हुई हैं, टोटल आपकी वैकेंसीज 400 हैं। बट अगर आप नेशनल डिफेंस अकेडमी के अंदर अगर आप देखें, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की आपकी 208 हैं और नेवी की 42 हैं, एयरफोर्स की आपकी 92 हैं, जिसमें कि आपकी ग्राउंड ड्यूटी की अलग है और ग्राउंड ड्यूटी टैग और नॉन टैग की अलग अलग दी गई हैं। और नवल अकेडमी की जो पोस्ट है इसमें खाली मेल अप्लाई कर सकते हैं, बाकी इन सारी पोस्ट के लिए आपकी फ़ीमेल भी अप्लाई कर सकती हैं। ये अभी हाल ही में अगस्त में जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था उसके बाद से फ़ीमेल को इसमें एलिजिबल कर दिया गया है। ओके, तो नवल अकेडमी के लिए जो मेल अप्लाई कर सकते हैं, इसमें टोटल पोस्ट आपकी 30 रखी गई हैं। ओके, और इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें भी आपका एक रिटर्न होगा और एक इंटरव्यू होगा, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन ज़्यादा इसमें हाईफाई नहीं मांगी गई है। आप 12th पास होने चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, 10+2 हो तो आप अप्लाई कर पाओगे इन सारी पोस्ट के लिए। इसके अलावा इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपका रिटन एग्ज़ाम है, वो आपका एक मैथमेटिक्स का टेस्ट होगा जो कि आपका बोल सकते हैं 2.5 आवर का होने वाला है, जिसमें कि 300 मार्क्स का ही पेपर होने वाला है आपका। दूसरा आपका जनरल एबिलिटी का रहेगा, जो कि ये भी आपका 2.5 आवर का रहेगा, और ये आपका जो है ये 600 मार्क्स का पेपर रहेगा। टोटल आपका 900 मार्क्स का ही पेपर होगा। आप अगर इस पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका एसएसवी का इंटरव्यू होगा। अगेन ये आपका इंटरव्यू 4 दिन का रहने वाला है, ये आपका 900 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। यहाँ पे आपका इंटेलिजेंस टेस्ट जो भी है, आपका पर्सनैलिटी टेस्ट, फिजिकल टेस्ट, ये सारे टेस्ट होंगे आपके यहाँ पे। इसके बाद में आपका एक ट्रेनिंग रहेगी, ट्रेनिंग जो रहती है उसमें आपको अच्छी खासी स्टाइपेंड देखने को मिलती है, और सैलरी की बात की जाए तो सैलरी डेफिनेटली बहुत अमेजिंग सैलरी आपको इसमें देखने को मिलती है। 65,000 प्लस सैलरी रहेगी। इसके अलावा अलाउंस बहुत होते हैं, अनलिमिटेड अलाउंस होते हैं, एंड इंश्योरेंस की बात करें तो 1 करोड़ तक आपको इंश्योरेंस देखने को इसमें मिलता है। एक आप बोल सकते हैं प्रेस्टीजियस जॉब है आपकी, काफ़ी अच्छी जॉब है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको डेफिनेटली इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। ओके, और अगर हम बात करें इसको इन सारी जॉब को तैयार करने की, सीरियस की और एनडीए की तैयारी के लिए आपको जो भी इसका सिलेबस है उसके टॉपिक वाइज आप चलिए, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए और ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा आपके ऊपर। सीरियस की प्रिपरेशन में इंग्लिश आपकी 2 घंटे की रहेगी, जो कि 100 मार्क्स की रहेगी, 100 क्वेश्चंस ही रहेंगे इसमें। जनरल नॉलेज रहेगी जो 2 घंटे की रहेगी, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स 2 घंटे का, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। इंग्लिश के लिए एसपी बख्शी को आप प्रेफर कर सकते हो। जनरल नॉलेज के लिए करंट अफेयर्स के जो वीडियोस हैं आपके, अरा 247 वन लाइनर जो मैं प्रोवाइड करती हूँ आपको, इसके अलावा आपका जो जीके टुडे की वीडियो है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आपका एसएससी वाला ही आएगा, तो इसमें आप दिशा पब्लिकेशन की बुक को भी ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी अमेजिंग बुक है। किरण पब्लिकेशन की बुक को ले सकते हो। ओके, बाकी अगर ओटीए की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें मैथ्स आपका नहीं है, तो यहाँ पे आपको इंग्लिश और जीके करना है। इसको काफ़ी अच्छे से करिएगा, इस पर काफ़ी अच्छे से फोकस करिएगा और डेफिनेटली आप सेलेक्ट हो जाओगे। इतना ज़्यादा टफ नहीं होता है। ओके, बट हाँ इसका इंटरव्यू थोड़ा सा टफ रहता है। इसकी एग्ज़ाम की बात की जाए, एनडीए की बात करें तो एनडीए में आपका जो मैथमेटिक्स रहेगा, ओके, इसका भी सिलेबस आपका पूरा नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आपका इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करने वाली हूँ, आप वहाँ जाके इसके पूरा सिलेबस को चेक करके उसके पॉइंट वाइज आप इसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए। जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा इसमें। ओके, जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए आप दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद एसएसबी का टेस्ट इंटरव्यू होगा, जो कि उसमें भी आपका दोनों में ही एसएसबी का इंटरव्यू सेम है, तो यहाँ पे आपका ये पूरा इस एग्ज़ाम की डिटेल, और इसके अलावा अगर आपको कोई और डिटेल आपको चाहिए या कहीं और कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, आई डेफिनेटली रिप्लाई यू। ओके, और बाकी चलिए मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में।
और अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज देन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट.